नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का यह टेस्ट संख्या 24 है और इसके पहले का अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। परीक्षा होने तक लगातार टेस्ट सीरीज पीडीएफ आप लोग को प्रोवाइड किया जाता रहेगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, जीआईसी पीजीटी के नाम से टेलीग्राम का लिंक बनाया गया है डिस्क्रिप्शन में, आप बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोग को ज्वाइन करना ही होगा अगर आप जीआईसी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो, क्योंकि वहाँ पर आप लोग को बहुत सारी सामग्रियाँ मिलती रहती हैं। एक बात और बताना चाहूँगा, अगर आपको जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी का 7500 प्रश्नों की सार गर्भित टेस्ट सीरीज चाहिए जो जीआईसी पीजीटी जनरल स्टडी की होगी, अगर आपको 7500 प्रश्नों की सार गर्भित टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर संपर्क कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है डिस्क्रिप्शन में दर्ज है, आप संपर्क कर लीजिएगा, पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा आपको, 7500 प्रश्नों की सार गर्भित टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होगा। लेकिन वह जो मटेरियल है वो चार्जेबल है, उसका जो मूल्य है वह 250 रुपया, 250 रुपया पेमेंट करने के बाद आपको वह पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो जो लोग सीरियस होंगे वो संपर्क कर लेंगे, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और एक साथ साथ मैं एक बात और बता दूं आपको कि अगर आपको जीआईसी पीजीटी संबंधित कोई भी अगर आपका सब्जेक्ट है, मतलब पीजीटी में कोई भी सब्जेक्ट है या ट्यूपी टीजीटी पीजीटी में भी अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, अगर आपको उससे संबंधित हैंड रिटन नोट चाहिए, कंप्यूटराइज नोट चाहिए, लेक्चर्स वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। जो भी मटेरियल है दोस्तों वो चार्जेबल है, आप लोग को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है, और जो भी मटेरियल है चार्जेबल है। आइए सीधे प्रश्नों पर आते हैं। तो देखिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो उर्जित पटेल कौन थे? वह पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के, और यही जो है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर यह पुस्तक लिखा गया है उर्जित पटेल जी के द्वारा। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर यह पुस्तक है उर्जित पटेल का। और आपको बता दूँ इस समय आरबीआई के जो अध्यक्ष हैं वह हैं शशिकांत दास, आरबीआई के अध्यक्ष शशिकांत दास हैं। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, तो यह ध्यान रखिएगा। और यह जो पुस्तक लिखा है उर्जित पटेल ने लिखा है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर विकल्प ए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, ज्वाइन कर लेंगे तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के पहले चेयरमैन कौन बने हैं? इंजेती श्रीनिवास विकल्प बी। भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी है? तो भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर जो बनी है वह बनी है जोया खान विकल्प सी। जोया खान बनी है पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर। दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार 2020 में किसे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? देखिए, दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार 2020 में किसे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है? 2020 में महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो लॉरा वाल्वाडट इनको चुना गया है दक्षिण अफ्रीका में कि वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार 2020 में इनको क्रिकेटर ऑफ द ईयर, मतलब महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है लॉरा को। बस इतना याद रखिएगा लॉरा को। किस राज्य सरकार ने बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना शुरू किया है? बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया है बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना। मेघ संदेश नाम का एप्लीकेशन भी कर्नाटक की सरकार ने शुरू किया था, ध्यान रखिएगा आप लोग। और बुनकरों के लिए नेकर सम्मान योजना किसने शुरू किया है? कर्नाटक की सरकार ने। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं येदियुरप्पा आप जानते हैं। गेटिंग कॉम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? आरसी भार्गव हैं। तो इस पुस्तक के लेखक कौन है? आरसी भार्गव। गेटिंग कॉम्पिटेटिव ए प्रैक्टिशनर्स गाइड फॉर इंडिया के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं आरसी भार्गव। ये आरसी भार्गव क्या हैं? तो आप मारुति सुजुकी का नाम सुने होंगे, मारुति सुजुकी के जो अध्यक्ष हैं वह हैं आरसी भार्गव, तो ध्यान रखिएगा आप। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो वाल्टेरी वोटास ने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीता है। ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? वाल्टेरी वोटास ने, विकल्प ए।
किस राज्य सरकार ने महाजॉब पोर्टल की शुरुआत किया है, किस राज्य की सरकार ने महाजॉब पोर्टल की शुरुआत किया है, तो महाराष्ट्र की सरकार ने महाजॉब पोर्टल की शुरुआत किया है, महाराष्ट्र की सरकार ने, विकल्प डी। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न, विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व चॉकलेट दिवस ऐसा मत समझिएगा कि फरवरी के आसपास मनाया जाएगा चॉकलेट दिवस, ऐसी बात नहीं है। विश्व चॉकलेट दिवस जो मनाया जाता है वह 7 जुलाई को मनाया जाता है, और सबसे पहले चॉकलेट दिवस जो मनाया गया था 7 जुलाई 1950 को मनाया गया था, 7 जुलाई 1950 को, लेकिन 1995 से यह एक चॉकलेट दिवस के रूप में हमेशा मनाया जाने लगा। 1995 से सबसे पहले 7 जुलाई 1950 को चॉकलेट दिवस मनाया गया था। विश्व चॉकलेट दिवस कब मनाया जाता है, 7 जुलाई को, ध्यान रखिएगा। आखिरी प्रश्न, दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार 2020 में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है, तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला क्रिकेटर, आपने देखा कि महिला क्रिकेटर कौन चुनी गई है, महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर लौरा, लौरा वालवाडट ऐसा नाम था उनका, लेकिन दक्षिण अफ्रीका के वार्षिक क्रिकेट पुरस्कार 2020 में किसे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो क्विंटन डी कॉक, क्विंटन डी कॉक, क्विंटन डी कॉक। देखिए क्रिकेट और क्वी, क्रिकेट यहाँ पर भी क है, यहाँ पर भी क है, इस तरह से आप लोग माइंड मैपिंग कर सकते हैं। तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, क्विंटन डी कॉक को, क्विंटन डी कॉक को चुना गया है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना, और जिनको भी मटेरियल चाहिए जीआईसी पीजीटी से संबंधित 7500 प्रश्नों की सार्गभित टेस्ट सीरीज का पीडीएफ, जिनको भी चाहिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। अगर आपको जीआईसी पीजीटी यूपी टीजीटी पीजीटी से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी मटेरियल चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट, कंप्यूटराइज नोट, सब कुछ मिल जाएगा, आप लोग हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। आप लोग को मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल नहीं करना है, और जो भी मटेरियल है दोस्तों चार्जेबल है, तो जो लोग सीरियस होंगे वही लोग संपर्क करेंगे। वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, धन्यवाद। आप लोग को टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करना है, आप सभी लोग को।